वैसे भी हम आपको दिखाते हैं, हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बिल्कुल पास खड़े हैं, या हम कॉकपिट के बिल्कुल पास खड़े हैं। ये कॉकपिट में यहाँ पर जो है वो पायलट यहाँ पर मौजूद होता है और यहाँ पूरे ऑपरेट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? तबीयत आप सबकी ठीक है? और आज हम आपको लेकर आ गए भाई एक्सपो सेंटर। तो कराची एक्सपो सेंटर में जो है वो आइडियाज़ 2024 जो है वो मुनक्किद की गई है, और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बहुत सारे जदीद हथियार, जहाज़, टैंक्स और दूसरी चीज़ें इस तरह की, और एम्यूनिशन वगैरह यहाँ पर जो है वो नुमाइश के लिए लगाई गई। 4 रोज़ा ये नुमाइश है, आज इस नुमाइश का पहला दिन है। तो हम आपको लेके चलते हैं और हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में हम आपको बताते हैं। आज हम आपको ब्लॉक 3 के बारे में बताएंगे, कल इंशाल्लाह ताला अगर हम हाजिर हुए तो फिर हम आपको कुछ और नई चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ ही रहिएगा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जिसे FC-1 भी कहा जाता है, इसको पाकिस्तान और चाइना ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC और चेंगदू, जो कि चाइना की एक कंपनी है, उन लोगों ने इसे मुश्तरका तौर पे तैयार किया है। JF-17 थंडर बेसिकली बिल्कुल हल्का फुल्का सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल जंगी तैयारा है। चीन की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CAC इसे और पाकिस्तान एयरफोर्स A5C F7PG मिराज 3 और मिराज 5 जंगी तैयारों के मुतबादल के तौर पर डिज़ाइन और तैयार किया गया है। JF-17 थंडर को मुतअद्दिद किरदारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बशमूल मदाखलत, ज़मीनी हमला, एंटी शिप और फ़िज़ाई जासूसी के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स और चीनी कंपनी का कहना है। पाकिस्तानी अहदा JF-17 का मुखफ़ है। JF-17 बेसिकली जो है वो जॉइंट फाइटर का JF मुखफ़ है, और जिसका मतलब है हवाई जहाज़ की मुश्तरका पाकिस्तानी और चीनी तरक्की का एक नाम है, और 17 का मतलब है कि PAF के विजन में ये रखा गया है। तो जो F-16 तैयारा था उसका जानशीन के तौर पर इसे F-17 यानी JF-17 नाम रखा गया है। चीनी अहदेदार इसे FC-1 भी कहते हैं। तो FC-1 का जो मतलब है वो फाइटर चाइना 1 है, जो इसे FC-1 कहते हैं। हम आपको दिखाते हैं, हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बिल्कुल पास खड़े हैं, या हम कॉकपिट के बिल्कुल पास खड़े हैं। ये कॉकपिट में यहाँ पर जो है वो पायलट यहाँ पर मौजूद होता है और यहाँ पूरे ऑपरेट करता है। Oh.
भाई ये बताएं आइडियाज 2024, अब तक आप माशाल्लाह मीडिया फील्ड से रिलेटेड कितनी एग्जीबिशन आपने अभी तक कवर किए, पहले ये बता। मैंने मुझे तकरीबन 18 साल से इससे ज़ायद का अरसा है इस फील्ड में, मैं अच्छी खासी मैंने कवरेज की है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस बार तो कुछ नया ही है। कौन सी एग्जीबिशन थी जो सबसे ज़्यादा अच्छी थी ये बता मुझे? 2022 वाली। 2022 क्या खासियत थी? मैं मतलब एविएशन और इक्विपमेंट का सामान जो था और फौजी लड़ाका तैयारे स्पेशली ड्रोन जो हैं वो तुर्की के, वो बहुत अच्छे थे। सही। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तुर्की के ड्रोन अभी आज आप आए सुबह से, आप माशाल्लाह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या आपने कोई ख़ास चीज़ आज कोई नई चीज़ कुछ देखा? सर ये हैदर टैंक, जो पाकिस्तान के हैदर टैंक, ये सबसे बहुत अच्छा मुझे लगा इसकी बनावट। हैदर टैंक जी ये हैदर टैंक जो है ये बहुत अच्छा है और मतलब इसकी तारीफ सुनी इसकी, इसके मामलात ये इनके जो हैं ये इनके मिसाइल जो टेलीस्कोप वगैरह है। सही। नहीं बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अभी तक मैंने पूरे रीड नहीं किया लेकिन अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है ठीक है, चले फिर जुल्फी भाई हम भी जाके थोड़ा बनाते हैं। ओके 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 सर। जी तो दोस्तों ये है वो हैदर टैंक। ये हैदर टैंक पाकिस्तान आर्मी ने एक नई ईजाद की है अल खालिद टैंक के बाद, ये हैदर टैंक पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये तैयार किया गया है। कि कहने का मकसद ये है कि जी ये हैदर टैंक की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी गई है, इसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी जो है वो फीचर्स इसमें मौजूद हैं। इन सारे फीचर्स के बारे में हम आपको अभी ज़रा तफसील से बताते हैं, तो वीडियो में हमारे साथ ही रहिएगा। हैदर टैंक जिसके बारे में भी हमारे जुल्फी भाई कह रहे थे कि हैदर टैंक बहुत बेहतरीन किस्म का टैंक बनाया गया, तो इस टैंक के ऊपर भी हम चलते हैं, हम आपको इस टैंक के बारे में भी दिखाते हैं। ये देखें जी ये हैदर टैंक, वो हैदर टैंक है और ये एक बड़ा बेहतरीन किस्म का टैंक यहाँ पर मौजूद है। इस हैदर टैंक के ऊपर मौजूद है भाई, हैदर टैंक के ऊपर हम मौजूद हैं। हैदर टैंक हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत जदीद सिस्टम इस हैदर टैंक में पाकिस्तान आर्मी ने बनाया है। जी तो दोस्तों आज हमने आपको JF-17 थंडर और हैदर टैंक के बारे में आपको बताया, हैदर टैंक और JF-17 थंडर जहाज हमने आपको दिखाया भी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, अगर अल्लाह ने चाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी और कल हम यहाँ पर दोबारा मौजूद हुए तो फिर कल हम आपको कुछ और नई चीज़ें दिखाएंगे, कुछ जदीद हथियार और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे अपनी इस वीडियो में। तो तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।